कालका में आगामी नवरात्रों को लेकर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल काली माता मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवरात्रों में मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर ई टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें माता के दर्शन करवाए जाएंगे। मंदिर सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नियम व शर्तों के साथ ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन करवाने के बाद श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिगजैग कतारों की व्यवस्था और उचित दूरी बनाए रखने के लिए मैट भी बिछाए जाएंगे। दर्शन करने के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु मंदिर में केवल प्रसाद लेकर जाएंगे व माता को दिखाकर अपने साथ ही वापस लेकर जाएंगे। कोरोना के कारण गत वर्ष माता के दर्शनों से भक्तजन वंचित रह गए थे। महामारी के चरणों में प्रार्थना है कि इस बार खुले दर्शन भक्तों को मिलें। इस दृष्टि से सब पर कृपा बनाएं। मंदिर प्रशासन की दृष्टि से क्योंकि कोरोना अपनी गति फिर से पकड़ रहा है तो ई रजिस्ट्रेशन सबसे पहला एक बिंदु ध्यान में किया कि प्रत्येक श्रद्धालु ई रजिस्ट्रेशन करवा करके आए। जैसा हमारी वेबसाइट है www.mansadevi.org.in उसके माध्यम से दर्शन ऑप्शन लेकर के 15 मिनट में 120 भक्तजनों को दर्शन ऐसे लगभग पूरे एक दिन में 8000 भक्तों को दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोगों ने नियोजित की है। करके आना, आते ही उनकी ई स्क्रीनिंग, फिर सैनिटाइजेशन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग 6-6 फुट पर अंतर रख करके हमने जिग जैग के माध्यम से लोगों को दर्शन की व्यवस्था की है और किसी भी प्रकार की टचिंग ना हो इसलिए श्रद्धालु माता के सामने पहुंच करके शीश नवाएं खड़े खड़े और उसके बाद जो भी प्रसाद वो लेकर के आए हैं चाहे घर से लेके आए हैं चाहे बाजार से उन्होंने खरीदा है उसको बिना किसी जगह टच किए अपने हाथ में लेकर के ही माता को नवाते हुए और अपने घर पर वापस लेकर के जाएं ताकि कोरोना टचिंग के कारण ना फैले यह एक हम प्रिकॉशन जरूर लें। फिर सैनिटाइजेशन मंदिर की फॉगिंग की व्यवस्था ये सारी भी विविध जो सरकारी प्रशासन के विभाग हैं वो इसको करेंगे। मंदिर की साज सज्जा की दृष्टि से फूलों का बिजली का ये सारा काम प्रारंभ हो गया है। ये पूरी सज्जा इस बार की जा रही है। मैटिंग की व्यवस्था भी हम स्थान स्थान पर जहां जहां आवश्यकता है वहां करवाएंगे ही। श्रद्धालुओं से हमारा ये निवेदन जरूर है कि मंदिर में आए माता के दर्शन लें आशीर्वाद लें और घर चले जाएं। अधिक देर मंदिर परिसर में ना रुकें। यह एक ताकि ये जो कोरोना महामारी हमारे सामने एक भयावह रूप लेकर के ध्यान में आ रही है उससे हम सब बच सकें और बाकी शहर के वासियों को भी बचा सकें। बंद रहेंगे बिल्कुल। भंडारा ना बैठा करके खिलाया जाएगा ना पैक किसी को दिया जाएगा। तक हमारे जो 8 ऑटो चालक हैं हमने मंडी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था रखी है तो वहां से फ्री ऑटो हमारे 4 ऑटो बस स्टैंड पर रहेंगे और 4 ऑटो मंडी में रहेंगे जो श्रद्धालुओं को वापिस लेके आएंगे। ऑटो वालों को हमने कहा कि 4 से ज्यादा सवारी उन्होंने नहीं बिठानी है इसका वहां यहां हिसाब किताब भी रखते ही हैं हम वो सारा रखते हैं। उन्होंने बताया कि कालका सब्जी मंडी में श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है जहां से वे मंदिर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क ऑटो में बैठकर मंदिर तक आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा कालका सब्जी मंडी से लेकर काली माता मंदिर तक 8 निशुल्क ऑटो का प्रबंधन भी किया गया है जो सुबह से लेकर रात 8 बजे तक श्रद्धालुओं को सेवाएं देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह कोविड नियमों का पालन करते हुए ही माता के दर्शन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।